तो बात कर लीजिए भाई लावा की तरफ से आज इंडिया में 10,000 रुपीज के प्राइस में 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया। हाँ भाई, अगर आपको 10,000 रुपीज से एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, बढ़िया UI वाला फोन ढूंढ रहे हो, तो भाई आपके लिए फोन बेस्ट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में इसकी स्पेसिफिकेशन प्लस बात कीजिए कैसे आप 10,000 में परचेस कर पाओगे, ओवरऑल एक कैसा फोन है, क्या आपको 1,000 के हिसाब से ठीक है, वर्थ इट है कि नहीं है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से करने वाले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो भाई देखिए, अगर यहाँ पे फुल HD प्लस देते तो थोड़ा सुपीरियर हो जाता, लेकिन ठीक है 10,000 के हिसाब से HD प्लस का पैनल हम काम चला लेंगे। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको पूरे के पूरे 8 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब भाई देखिए, एक दो देखे हमें यहाँ पे मतलब बताया नहीं गया, बहका नहीं दिया गया कि हाँ भाई नाम के लिए 5G, भाई प्रॉपर यहाँ पे आपको 8 5G बैंड दिया गया। मतलब अगर इंडिया में चाहे जियो की तरफ से SA वाला 5G आता है या एयरटेल की तरफ से NSA वाला 5G आता है, दोनों के दोनों 5G ये फोन में आपको सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बात कीजिए कैमराज के बारे में, तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 MP का मेन कैमरा, और भाई देखिए दोनों कैमरा का कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो हम सब मान सकते हैं 1 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की सेल्फी कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। हाँ भाई देखिए, बहुत ज़्यादा आपको सुपीरियर वाली देखने को नहीं मिलेगी, एवरेज से भी कम आपको फोटोग्राफी करने देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आपका 10,000 खर्चा कर रहे हो तो उस हिसाब से मुझे कैमरा सेटअप ठीक लग रहा है। बात कीजिए बैटरी और चार्ज के बारे में, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी जिक्र है। यहाँ पे भाई चार्जर मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जिक्र नहीं किया गया, तो हम ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे आपको आराम से 10W का मिनिमम 18W का मिल जाता तो और अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम सिम में आपको 10W का चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए UI के बारे में, जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 रन करते हुए देखने को मिल जाएगा, और ये लावा की तरफ से आया हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी फालतू का एड्स, कोई भी फालतू का ब्लूटूथ एड्स कचरा देखने को नहीं मिलेगा, नियर स्टॉक एंड्रॉइड वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी जैसे ओल्ड पर्सन को देना चाहते हो, फिर अपने मम्मी पापा को देना चाहते हो, तो ये फोन उनके लिए वर्थ इट होने वाला है। सेंसर्स के बारे में, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5 mm जैक, इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बात कीजिए भाई, फोन 10,000 के हिसाब से बढ़िया, स्पेक्स सारी बढ़िया दी गई है। हालांकि बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो भाई लावा का टिपिकल सा वाला आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, बैक पैनल आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। नहीं, ओवरऑल बात कीजिए, देखिए 10,000 के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा फोन बढ़िया है। अगर आपको बाय करना है, 5G स्मार्टफोन बाय करना है, आपके लिए UI माइन, यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, MI रियलमी की तरह आपको आपको फालतू का एड्स ब्लूटूथ एड्स कचरा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि ये 10,000 के हिसाब से आप कैसे बाय कर सकते हो। देखिए भाई, आप ये अमेजोन से बाय कर पाओगे, लिस्ट नहीं हुआ है, बेस्ट बाय डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जैसे अवेलेबल होता है। तो अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सिंपल से जाके आप बाय कर सकते हो। ये 10,000 में कैसे, देखिए 10,000 जो है इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है भाई, इंट्रोडक्टरी प्राइस तो कब तक ये रहेगी इसका कोई अता पता नहीं है, प्लस इसके बाद ये कितना बढ़ाएंगे वो भी इन्होंने नहीं बताया, लेकिन आराम से आप समझ सकते हो कि 11, 11.5, 12 के आसपास ले जाएंगे। अगर इससे ऊपर ले जाते तो भाई इसका कोई तुक बनेगा नहीं। हालांकि भाई 10,000 के हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन है, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। 1,000 में मेरे हिसाब से उतना वर्थ इट नहीं रहेगा, लेकिन 10,000 के हिसाब से वर्थ इट होने वाला है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।